तो माना यही जा रहा है कि दूरियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं आगे आने वाले दिनों में एनसीपी और कांग्रेस के बीच में। वहीं बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव आमने सामने हैं। दोनों के बीच एक दूसरे से खुद को बड़ा सेकुलर साबित करने की होड़ मची हुई है। दोनों की तरफ से तीखे जुबानी तीर भी छोड़े जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो आपस में मिले भी रहेंगे। गुजरात जल रहा था तो बैठे थे एनडीए में। नीतीश और लालू के बीच ठन गई है। कोशिश खुद को सबसे बड़ा सेकुलर साबित करने की है। जेडीयू और आरजेडी के बीच इस वार पलटवार की शुरुआत नीतीश ने की। इशारों में कहा बीजेपी और आरजेडी में मिलीभगत है, लेकिन इससे जेडीयू का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। सब लोग आपस में लड़ते रहेंगे, कहीं एक दूसरे से मिलते भी रहेंगे, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं किसी को। लालू ये सुनकर लाल हो गए। नीतीश से दो टुक पूछा कि कल तक बीजेपी और आरएसएस की गोद में बैठे थे, अचानक पाक साफ कैसे हो गए? लागल चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे? तो बड़ी परेशानी हो रही है कि अब हम घर जाएं कैसे, मेरे जनता में जाएं कैसे। नीतीश ने कहा था कि लालू बीजेपी से अंदर खाने कितने भी फिक्सिंग कर लें, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी किए रहेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ना। जवाब में लालू ने कहा कि जेडीयू का सफाया तय है। अरे बिन मारे बैरी मरे, ये सब मरे पड़े हुए हैं। अब आप लोगों को आप बिना मारे बैरी दुश्मन जो कहा जाता है, मरे पड़े हुए हैं। नीतीश और लालू जिस तरह से एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में ये जुबानी जंग और तेज होने वाली है। शिशिर चौबे के साथ विनायक प्रसाद, पटना, इंडिया न्यूज़।